नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई फसल बीमा योजना की पड़ताल करेंगे, जिसे लेकर मनोहर सरकार आए दिन दम भरती दिखती है। प्रदेश में किसानों की समस्या किसी से छिपी नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसान हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर जूझते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या मनोहर सरकार किसानों के लिए हितकारी साबित हो रही है, और अगर हाँ तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। तो चलिए ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब तलाशते हैं। शुरुआत करते हैं किसान उत्थान कार्यक्रम के सफर की। प्रदेश की मनोहर सरकार हर मंच से दावे करती नहीं थकती कि किसानों के हित में एक के बाद एक कई फैसले लिए गए, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वर्तमान सरकार की ओर से वो कौन कौन से कदम उठाए गए जिसका फायदा किसानों को मिल रहा हो, और सरकार की योजनाओं पर किसानों का क्या कुछ कहना है। तो चलिए सरकार के दावों और हकीकत पर तैयार की गई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में किसानों की समस्या किसी से छिपी नहीं है, जिसे दूर करने का हर वो सरकार दावा करती आई है जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती है। बावजूद किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, साल 2014 से विधानसभा चुनाव में भी किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा था। प्रदेश के किसान अपनी समस्या को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर थे, लेकिन पिछली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था, जिससे किसानों में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष साफ देखा जा सकता था, जिसे बीजेपी ने समय रहते भुनाया और किसानों को भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि बीजेपी सत्ता में आने पर किसानों की समस्या को पहली प्राथमिकता में शामिल करेगी। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेती करने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी, और इन्हीं भरोसे के दम पर प्रदेश की वर्तमान सरकार सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों के हित में कई उचित कदम उठाए हैं। फसल बीमा योजना ऐसी ही एक योजना है जिसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को मिलता दिख रहा है। आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक अपील करना चाह रहा हूं, ताकि हम इन सब विषयों पर, क्योंकि कृषि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की जो व्यवसाय है, जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीज़ों का भी है। तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए, और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं, उस रेट का ज़्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपये से लेकर 34-35,000 रुपये एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपये तक मिलता है। प्रदेश के किसानों की बड़ी समस्या खेती में लागत को कम करना, मौसम की मार, फसलों के दामों में उतार चढ़ाव थी, जिससे पार पाना मनोहर सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए, ताकि फसलों की उपज बढ़ाने के साथ खेती में लगने वाले लागत को भी कम किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया तो बैंकों से पैसे कटते थे, बाद में किसान ने कहा कि नहीं पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है नियम यह है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज़ वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वही वो कहता नहीं नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता है कि मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा, नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है, और हम सरकार की ओर से सिर्फ 12,000 रुपये देते हैं, 50-50 है, तो इसलिए वो अब 2% दे करके अपना बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन किसान बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता है हाँ कराना है, और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा बीमा उसमें से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बन ही जाती है। प्रदेश के किसानों को खेती के लिए आसान तरीके से ऋण नहीं मिलता था, जिससे किसानों को फसल उपजाने के लिए साहूकारों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को कर्ज के बोझ तले दबने पर मजबूर होना पड़ता था, और यही वजह होती थी कि बंजर भूमि से भी सोना उगाने वाले किसान परेशानी के बोझ तले दबे होते थे। लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों से किए अपने वादे को पहली प्राथमिकता में शामिल किया और किसानों को खेती करने के लिए आसान किस्तों पर बैंक ऋण की सुविधा दी गई, जिसका परिणाम हुआ कि प्रदेश के किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति मिल गई। किसान को सरकार की ओर से तो पूरा डैमेज होने पर मैक्सिमम 12,000 रुपया एकड़ मिलता है, लेकिन यदि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराएगा तो उसको राशि 25,000 रुपया एकड़ तक मिलती है, अर्थात एकदम लाभ उसका डबल होता है, जबकि उसको प्रति एकड़ 500 रुपया एक फसल का, दो फसल का भी देना पड़ेगा तो 1,000 रुपया एक साल का वो एक एकड़ का देना पड़ेगा। वो एक एकड़ है, दो एकड़ है, तीन एकड़ है, क्योंकि सामान्यतः छोटा किसान वो एक दो तीन एकड़ का ही होता है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकता है। हमारा हेतु ये है कि 6,000 रुपए में उसकी हर प्रकार की सुरक्षा हो जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा के किसानों को देश में सबसे ज्यादा इस योजना का फायदा मिल रहा है। विषय रिस्क मैनेजमेंट का है। रिस्क मैनेजमेंट में भी प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लागू की, विरोध हुआ, फिर उसके बाद ऑप्शन कर दिया, ऑप्शनल भी कोई लेना चाहे ले, नहीं तो नहीं, जैसे कृषि मंत्री जी ने बताया, उसके बाद भी कम नहीं हुआ है, जो बीमा एरिया है वो कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहा है। उसका एक कारण है कि लोगों को पता लग गया कि अगर नुकसान हो गया तो ये हरियाणा ही है जो 12,000 रुपये एकड़ देती है सरकार, बाकी प्रदेश वो भी नहीं देते, वो भी 4,000-5,000 रुपये एकड़ देते हैं। लेकिन अगर बीमा करा लोगे तो वही नुकसान का 20,000-25,000-28,000 रुपये मिलेगा, तो लोगों को जब अंतर समझ में आया तो लोग कराने लग गए। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के भी जो काम है उसमें भी आज हमको उसी प्रकार से योजनाएं बनानी पड़ेगी कि किस चीज में बीमारी, कौन सी फसल में बीमारी ज्यादा लगती है, कहाँ प्राकृतिक चीजों से शायद हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अपने हाथ में उन चीजों को हम ठीक कर ही सकते हैं कि ये चीज ऐसी है जिसके कारण से हमारे खेत में ये नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, या जो प्राकृतिक लड़ाई है उसमें बीमा एकमात्र उसका एक रास्ता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। किसानों को अपनी फसल को लेकर हमेशा ये डर रहता था कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद ना हो जाएं। ऐसे में किसानों के लिए फसल बीमा योजना हितकारी साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की मनोहर सरकार की फसल बीमा योजना किसानों के लिए हितकारी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो
देखा आपने कैसे किसानों को आने वाली हर परेशानी को मनोहर सरकार की ओर से दूर करने का काम किया जा रहा है। इसी का फायदा प्रदेश के किसानों को बखूबी मिलता दिख रहा है। धीरे धीरे प्रदेश के किसानों की आय दुगुनी होती जा रही है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।